नमस्कार किसान साथियों, तो स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे महाशक्तिशाली ट्रैक्टर जिन्होंने इंडियन मार्केट में धूम मचा रखी है। आज या आने वाले एक साल बाद या आने वाले जो निकल गया उससे एक साल पहले, हर समय इन दोनों ट्रैक्टर की भारतीय मार्केट में हमेशा भारी डिमांड रहती है। ये दोनों ऐसे महाशक्तिशाली ट्रैक्टर है जो हर किसान के लिए लाभदायक है। आज की इस वीडियो में हम दोनों ट्रैक्टर का आपस में कंपैरिजन करेंगे कि आपको कौन सा ट्रैक्टर खरीदना चाहिए और कौन सा आपको नहीं खरीदना चाहिए, कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए बेटर है, कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए बेटर नहीं है। आज की इस वीडियो में हम दोनों ट्रैक्टर के फुल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, दोनों की प्राइस की बात करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें। यह वीडियो पूर्णतः हमारे व्यूवर्स के डिमांड पर हमने बनाया है, तो शायद आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए किसान साथियों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जय जवान जय किसान। तो किसान साथियों, बात करते हैं स्वराज 744 XT की। तो यह ट्रैक्टर 3 सिलेंडर 50 HP के साथ में 3478 CC इंजन के साथ में आता है। वहीं अपन दूसरी ओर बात करते हैं सोनालिका DI 745 थर्ड सिकंदर की। तो इस ट्रैक्टर में हमें 3 सिलेंडर वाला 50 HP का इंजन देखने को मिलता है। बात करते हैं स्वराज के फ्यूल टैंक की, तो हमें 50 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर सोनालिका में हमें 55 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। अब बात करते हैं लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो स्वराज 744 XT में हमें 1700 kg की लिफ्टिंग क्षमता देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर हमें सोनालिका DI 745 में 1800 kg की लिफ्टिंग क्षमता हमको देखने को मिलती है। अब दोनों ट्रैक्टर के PTO पावर की बात करें, तो PTO पावर हमें स्वराज में 44 HP की देखने को मिलती है। वहीं अगर सोनालिका में अगर अपन बात करते हैं तो सोनालिका के ट्रैक्टर में हमें 40.8 BHP की PTO पावर देखने को मिलती है। अब बात आती है स्टेयरिंग की, तो किसान साथियों स्वराज ट्रैक्टर 744 XT पावर स्टेयरिंग के साथ में आता है। वहीं दूसरी ओर सोनालिका DI 745 थर्ड सिकंदर ये ऑप्शनल आता है। ये आप मैकेनिकल स्टेयरिंग के साथ में भी इसको खरीद सकते हैं और पावर स्टेयरिंग के साथ में भी इसमें खरीद सकते हैं, तो ये आपके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं। अब बात करते हैं RPM की, तो RPM अगर देखा जाए तो स्वराज 744 XT में हमें 2000 RPM देखने को मिलता है। और वहीं अगर सोनालिका DI 745 थर्ड सिकंदर की बात करें तो इसमें हमें इंजन रेटेड 1900 RPM देखने को मिलता है। अब मुख्य बिंदु आता है दोनों ट्रैक्टर में गियर शिफ्टिंग का, तो किसान साथियों दोनों ट्रैक्टर में हमें 8 फॉरवर्डेड गियर और 2 रिवर्स गियर हमें देखने को मिलते हैं। यह गियर सिस्टम दोनों ट्रैक्टर में सेम है। अब बात करते हैं ड्राइविंग ऑप्शन, तो दोनों ट्रैक्टर हमें 2 व्हील ड्राइव ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। अब तीसरा हमारा मुख्य बिंदु आता है ड्यूअल क्लच, जो हमें स्वराज 744 XT में देखने को मिलता है। वहीं अगर अपन बात करें सोनालिका DI 745 थर्ड सिकंदर की, तो इस ट्रैक्टर में हमें सिंगल और ड्यूअल क्लच दोनों का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ब्रेक की, तो स्वराज 744 XT में हमें तेल में डूबे हुए ब्रेक देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर अपन बात करें सोनालिका DI 745 थर्ड सिकंदर की, तो इस ट्रैक्टर में हमें ड्राई डिस्क के साथ में ऑयल इमर्स ब्रेक देखने को मिलते हैं। इसमें भी हमें दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं, अपन ड्राई डिस्क में भी खरीद सकते हैं और ऑयल इमर्स में भी खरीद सकते हैं, यानी कि हमें तेल में डूबे हुए ब्रेक भी हमें इसमें को देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दोनों ट्रैक्टर की वारंटी की, तो वारंटी की अगर अपन बात करें तो दोनों ट्रैक्टर में हमें 2000 घंटे या 2 साल की वारंटी हमें देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, ये तो थे दोनों ट्रैक्टर के स्पेसिफिकेशन जिसके बारे में हमने जाना। अब बात आती है मुख्य जो बात रहती है वो रहती है प्राइस की, तो दोनों ट्रैक्टर की प्राइस की अब हम बात करने वाले हैं। तो दोनों ट्रैक्टर अपनी श्रेणी में बहुत ही शानदार ट्रैक्टर हैं। बात करते हैं स्वराज 744 XT की, तो यह 3 सिलेंडर 50 HP 3478 CC के साथ में आता है और इसकी प्राइस शुरू होती है 6,98,000 से 7,50,000 तक। वहीं अपन बात करते हैं दूसरे ट्रैक्टर सोनालिका 742 DI थर्ड सिकंदर की, तो यह ट्रैक्टर 3 सिलेंडर इंजन के साथ में 50 HP में आता है और इसकी प्राइस शुरू होती है 6,60,000 से 6,85,000 तक। तो किसान साथियों, अगर दोनों ट्रैक्टर में प्राइस के आधार पर अगर देखा जाए तो हमें सोनालिका DI 745 थर्ड सिकंदर की प्राइस कम देखने को मिलती है। बाकी दोनों ट्रैक्टर अपने आप में अपनी श्रेणी में बहुत ही महाशक्तिशाली ट्रैक्टर है। तो
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, बजट के हिसाब से आप डिसीजन ले पाओगे कि दोनों ट्रैक्टर में हमें कौन सा खरीदना चाहिए। बाकी एक बात किसान साथियों कि दोनों ट्रैक्टर अपनी श्रेणी में महाशक्तिशाली ट्रैक्टर है और दोनों ट्रैक्टर की डिमांड हर समय पूरे भारत के ट्रैक्टर मार्केट में सबसे ज़्यादा रहती है। तो किसान साथियों आज का वीडियो यहीं तक था, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो किसान साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो किसान साथियों आज का वीडियो यहीं तक था, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हम आने वाले टाइम में आपके लिए इससे भी और बेहतर बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। ठीक है किसान साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।